गर्विक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे अडालज की वाव, अडालज की अष्टकोण वाव। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि कोई भी लोकेशन मिस ना हो। अडालज की वाव, यह एक स्टेप वेल होने के बावजूद कुआं कम और आलीशान महल ज्यादा दिखता है। अडालज वाव गुजरात की करंट राजधानी गांधीनगर से सिर्फ 8 किलोमीटर और उस जमाने की राजधानी पाटड़ से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सदियों पहले यह प्रदेश धंधे के नाम से जाना जाता था और इस छोटे से राज्य में राजा वीर सिंह वाघेला का शासन था। इस वाव का शिल्प कला तो विश्व प्रसिद्ध है, हजारों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस सुंदर वाव के पीछे कितना दर्दनाक इतिहास पड़ा है वो कोई नहीं जानता। आइए आज हम आपको अडालज की वाव की सुंदरता के साथ इसकी सचोट और ऐतिहासिक गाथा भी सुनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार 15वीं सदी में धंधे राज पानी की कमी का सामना कर रहा था। यहाँ की प्रजा सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर थी। अगर सूखा पड़ जाए तो लोग परेशान हो जाते थे। इस परेशानी का हल निकालने के लिए वीर सिंह ने यहाँ पर एक विशाल और गहरी वाव निर्माण का काम शुरू करवाया। यह परियोजना पूरी होने से पहले उसके साम्राज्य पर मुस्लिम हमलावर मोहम्मद बेगड़ा ने हमला कर दिया। वीर सिंह इस युद्ध में शहीद हो गए और उनके राज्य पर आक्रमणकारी ने कब्जा कर लिया। वीर सिंह की विधवा रानी रूपबा, जिसका एक और नाम था रुदाबाई, वे बहुत ही स्वरूपवान थी। उसने अपने पति के साथ सती होकर अगले जन्म में वही पति पाने का निश्चय किया, लेकिन बेगड़ा ने रुदाबाई को सती होने से रोक दिया और इनके साथ शादी का प्रस्ताव रखा। कहते हैं रुदाबाई ने चतुराई का उपयोग करते हुए कुछ शर्तों पर बेगड़ा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनकी शर्त के अनुसार वाव का अधूरा काम पूर्ण करने के बाद ही वे शादी करेंगी। यह सुनकर बेगड़ा बावरा हो गया और वाव का अधूरा काम जल्दी से पूरा करवाने में लग गया। जब यह वाव तैयार हो गई, तब रुदाबाई को अपना वचन याद दिलाया। रुदाबाई अपना वचन निभाने के लिए वाव तक आईं और वाव को ध्यान से देखा। रानी ने अपने पति द्वारा शुरू किए गए प्रकल्प को पूरा करने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया था और उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। अपने पति को याद किया और देखते ही देखते कुएं में छलांग लगा दी और रुदाबाई इस तरह सती हो गईं। स्वामी नारायण संप्रदाय के एक पुराने धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि मरने से पहले रानी रूपबा यानी रुदाबाई ने संतों से इस वाव में स्नान करने का अनुरोध किया था, ताकि वाव का पानी इन संतों के स्नान करने से शुद्ध हो जाए और उन्हें इस पाप से मुक्ति मिले। उत्तर दक्षिण डायरेक्शन में बनाई गई इस वाव का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा का है। चार कोनों के साथ सजाए गए दरवाजे, खिड़कियां, झरोके और छोटे कमरे भी हैं। स्क्वायर फ्लोर के ऊपर स्तंभ, बीम, दीवार और कमान इनकी एक विशेषता है। हालांकि कुएं का मुख्य भाग आकाश की ओर खुला है। चारों कोनों को 45 डिग्री के कोण पर स्थापित पत्थर के बीम से मजबूत किया गया है। सोलंकी स्थापत्य शैली में रेतीले पत्थर से निर्मित अडालज की यह वाव 5 मंजिल तक गहरी है। यह ऊपर के हिस्से में अष्टकोणीय है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर असंख्य खम्भों पर बहुत ही आर्टिस्टिक नक्काशी की गई है। प्रत्येक फ्लोर पर बहुत लोग एकत्र हो सकें, इतना भव्य है। पानी के स्तर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों की बनावट से मौसम के कौन से टाइम पानी का कितना लेवल होगा उसका भी लेखा जोखा था। सभी फ्लोर पर छतों में हवा और प्रकाश के आने जाने की पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। पहले फ्लोर से 3 सीढ़ियां कुएं के निचले जल स्तर तक ले जाती हैं, जिसे एक यूनिक विशेषता माना जाता है। हिंदू राजा के द्वारा शुरू किए गए इस स्कल्पचर को एक मुस्लिम शासक ने आखिरी शेप दिया था। इस वजह से इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली की आर्ट दिखाई देती है। फूलों और ग्राफिक्स इस्लामी वास्तुकला के अनुसार है। बाकी के शिल्प में हिंदू और जैन देवताओं की कृति है, जो वाव के अलग अलग फ्लोर पर नक्काशी की हुई है। ऊपर के फ्लोर पर मुख्य नक्काशी में हाथियों की अलग अलग डिजाइन है। दीवारों पर किए गए शिल्प में कहीं पर छाछ बनाती हुई स्त्रियां, श्रृंगार करके खुद को सजाती नर्तकियां और संगीतकारों के प्रदर्शन के दृश्य हैं। इतना ही नहीं, राजा इन सभी गतिविधियों को बारीकी से देख रहे हैं, ऐसा भी दृश्यमान हो रहा है।
देखने लायक कृति में जटिल नक्काशी किया हुआ एक दिलचस्प चित्रण सिंगल पत्थर पर तराशा गया है, जिसमें जीवन के पानी का प्रतीकात्मक बर्तन और कल्प वृक्ष का एक पेड़ है। इसके अलावा नवग्रह का भित्ति चित्र भी बखूबी बनाया गया है। कुएं के अंदर का तापमान बाहरी तापमान से लगभग 5 या 6 डिग्री कम रहता है। अनुमान लगाया जा सकता है ये संरचना उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए थी जो इस वाव से पानी लेने के लिए आती होंगी। यहाँ का वातावरण उन महिलाओं को देवी देवताओं की पूजा करने और गपशप करने के लिए मौका प्रदान करता होगा। इस कब्र को देखिए, इससे जुड़ी एक और कहानी यहाँ पर सोई हुई है। इतिहास के पन्नों से देखा गया है कि इस कुएं का निर्माण हो जाने के बाद बेगड़ा ने इसे बनाने वाले कारीगरों से एक सवाल पूछा था कि क्या वे एक और ऐसा ही स्कल्पचर का निर्माण कर सकते हैं। जब कारीगरों ने खुश होते हुए समर्थता दिखाई, तब बेगड़ा ने उन सब को उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि बेगड़ा नहीं चाहता था कि इस उत्कृष्ट स्टेपवेल और वास्तुकला की प्रतिकृति कहीं और बनाई जाए। इस घटना से पता चलता है कि हजारों प्राचीन मंदिरों को लूटने और विध्वंस करने वाला महमूद बेगड़ा कितना क्रूर था। ऐसी अद्वितीय स्थापत्य देखना एक मौके से कम नहीं है। दोस्तों, आज ही प्लान कीजिए अडालज की वाव को एक्सप्लोर करने का। इस मॉन्यूमेंट को देखने के लिए एंट्री टिकट सिर्फ 25 रुपए है। कैमरे के लिए कोई बाध्य नहीं है। अडालज आने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन अहमदाबाद का कालूपुर स्टेशन है। यह स्टेशन वेस्टर्न रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त स्टेशन माना जाता है, जहां से इंडिया की लगभग सभी सिटीज के लिए ट्रेन अवेलेबल है। और नजदीकी एयरपोर्ट अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से इंडिया की सभी मेजर सिटीज के लिए रेगुलर उड़ान अवेलेबल हैं। अहमदाबाद दिल्ली हाईवे नंबर 41 पर होने से यहां के लिए बहुत सारी बसें, टैक्सी और कार अवेलेबल हैं। प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं। इस संकुल में पार्किंग की पर्याप्त जगह है। त्रिमंदिर। इस प्लेस के नजदीकी स्पॉट में गांधीनगर और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद देखने जैसा है। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर त्रिमंदिर है। इसमें सीमंदर स्वामी के मुख्य मंदिर के साथ महादेव जी, कृष्ण भगवान, बालाजी, अम्बा माता और साईं बाबा का भव्य मंदिर है। परम ज्ञानी दादा भगवान समर्पित इस भव्य संस्थान में अनेक विध सेवाकीय एक्टिविटीज हो रही है। पूज्य दीपक भाई के सानिध्य में सत्संग शिविर, प्रश्नोत्तरी सत्संग और दादा दरबार जैसे डेली बेस कार्यक्रम इस फाउंडेशन की विशेषता है। यह सत्संग में कोई भी इंसान उनकी कोई भी प्रॉब्लम को प्रश्न के रूप में डायरेक्ट आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से सीधा संवाद कर सकते हैं और इस तरह अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज नो एपिसोड अहिया पूरो थाए छे। जता पहला सब्सक्राइब करीन बेल आइकन खास दबावता जजो, जेथी नवा आवनार एपिसोड नी जानकारी तमने सौथी पहला मळे। आवनार नवा एपिसोड मा अमे तमने एक सरप्राइज लोकेशन पर लई जशु। त्यां सुधी जय हिंद, जय गुजरात।